मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं 8 क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड से एक्सरसाइज 4.2। और इसमें क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, ये जो नंबर्स दी गई हैं 2197, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए देखते हैं। ओके, तो देखिए क्यूब रूट का फॉर्मूला देखिए, ये क्यूब की वजह से यहाँ 3 इसकी रूट आई है, 2197। ओके, अब हम 2197 इसके फैक्टर करेंगे। ओके, ये हमारा रफ वर्क है, देखिए सर, 2197 इसको हमने डिवाइड करना शुरू किया। हम देखते हैं कि ये किस टेबल में आएगा, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 2 से सिर्फ वे नंबर्स डिवाइड होती हैं जिनकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होती है। ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 के टेबल्स में सिर्फ वे नंबर्स आती हैं जिनकी डिजिट्स का जो सम होता है वो ऐड होने के बाद 3 के टेबल में आ जाए, इट मीन्स 3 से डिवाइड हो जाए। 2 and 1 3, 3 and 9 12, 12 and 9 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, जब 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुई, 2 से डिवाइड नहीं हुई, तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगी। ये नंबर 5 से डिवाइड इसलिए नहीं होगी, क्योंकि इसकी लास्ट 5 से डिवाइड होने के लिए जो शर्त है वो ये है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, उन दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो। ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 and 3 हैं, ना तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रही है ना ही 3 से डिवाइड हो रही है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। चलिए ये नंबर डिवाइड होगी 13 से। ओके, 13 वन ज़ा 13, ठीक है, तो पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, थर्टीन वन ज़ा थर्टीन, वन में से 3 नहीं जा सकते, 1 इधर बोरो किया, 11 हो गए, 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 रहे, 9 इधर आया। ठीक है, अब 13 का टेबल पढ़ना है हमें कि 89 आ जाएँ, 89 नहीं आते हैं तो 89 से कम आ जाए। ओके, 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, 13 थ्री ज़ा 39, 13 फोर ज़ा 52, 13 फाइव ज़ा 65, 13 सिक्स ज़ा 78। ठीक है, 13 सेवन ज़ा 91, 91 ज़्यादा हो गया, तो 13 सिक्स ज़ा 78, 1 यहाँ रहा और 1 यहाँ रहा और ये 7 अगली डिजिट आ गई। अब 13 के टेबल में हमें लाने हैं 117, जो कि 9 टाइम्स में आते हैं, 13 नाइन ज़ा 117। ठीक, अब 169 के फैक्टर क्या होंगे, इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 वन ज़ा 13, 6 में से 3 को डिवाइड किया, 3 आ गया 9। 13 के टेबल में 39 लाना है, 3 टाइम्स में आ जाएगा, 13 थ्री ज़ा 39। तो हमने देखा कि हमारे एक फैक्टर तो ये आ गए 13 and 69 169 169 को फिर 13 से डिवाइड किया, फिर 13 आ गए, तो 2197 के फैक्टर आए 13 into 13 into 13। अब हमारे पास बात है क्यूब रूट की, तो इसलिए हम इन 3 3 का पेयर कर लेंगे, और जब हम इसका ये क्यूब हटाएंगे तो ये हो जाएगा ओनली 13। ये हमारा आंसर हुआ, इधर की साइड का ये वर्क जो था ये रफ था। ओके,